देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी में हमें प्रूव करना है, ठीक है। इससे पहले हम nth रूट ऑफ यूनिटी बता चुके हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो एक बार और रिमाइंड करते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स x इक्वल टू 1 का पावर n मीन्स एक्स एन इक्वल टू 1 मीन्स क्या है, एक्स एन हो गया तो पावर एन जैसे हुआ तो मीन्स हमारा एन रूट निकलेगा। तो जैसे हमारा फर्स्ट रूट निकलता था वो क्या हो जाता था, तो 1 का जो वैल्यू होता है, सबसे पहले समझिए कि डिमोवियस थ्योरम है, 1 का जो हमारा वैल्यूज होता है ना वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस 2r पाई, ठीक है, 2π बाई यहाँ पे सॉरी 2r पाई हो जाएगा ये हमारा, प्लस i साइन 2r पाई, तो ये हमारा होता है 1 का वैल्यू, ठीक, हमारा 2r पाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सेम 2r पाई, तो 1 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, कॉस 2r पाई हो जाएगा, लेकिन x नॉट n टर्म्स का वैल्यू निकालना है, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा कॉस ये एक्स नॉट जो फर्स्ट हमारा जो वैल्यू निकलेगा मीन्स फर्स्ट रूट जो निकलेगा, तो कॉस 0 प्लस आई साइन 0 हो जाएगा। एक्स वन जो सेकेंड निकलेगा वो हमारा क्या होगा, कॉस, लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि 2π/n होगा प्लस आई साइन 2π/n हो जाएगा। इसी तरह एक्स टू का वैल्यू निकलता था तो कॉस यहाँ पे हो जाएगा 4π/n प्लस आई साइन 4π/n, इसी तरह हमारा कंटिन्यू होता था। तो nth रूट ऑफ यूनिटी डिमोवियस में ऐसा निकलता था, ठीक है, ये हमारा 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता था, पूछेगा। और देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट द nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी में, हमें प्रूव करना है कि nth रूट ऑफ यूनिटी जीपी में हो, ऑल्सो सो दैट देयर प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू दिस, हमें लेके आना है इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा वैल्यूज आएगा, ठीक है। तो 1 का वैल्यूज हमारा ये होता है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ऐसे वैल्यूज याद रखना होगा कि 1 का जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक। देखिए इसका प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी, रूट ऑफ यूनिटी इज डिफाइंड एज क्या, x इक्वल टू 1 का पावर 1/n, ये था, वी नो दैट 1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई, ये होता है 1 का वैल्यू। और यहाँ पे लिखेंगे r जो होता है वो 0 से रनिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, ठीक। तो therefore देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो x इक्वल टू यहाँ पे जो है इक्वल टू इसका जो वैल्यू है 1 का वैल्यू ये और पावर में 1/n है, तो cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई और इसका जो पावर है वो 1/n हो गया, ठीक, ये वाला टर्म्स ना हमारा, तो ये 1/n, ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसका एंगल है ना हमारा, तो ये हम ब्रैकेट में डाल दिए। और यहाँ पे लिखेंगे क्या कि r रनिंग फ्रॉम 0 1 2 ऐसे जाएगा, ठीक है, n माइनस 1 तक था ना लास्ट, n माइनस 1 तक रूट्स निकाल देते हैं, तो n माइनस 1 तक रूट्स निकाल देते हैं। क्यू रूट nth रूट ऑफ यूनिटी आप नहीं देखें तो आप उसमें देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, nth रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी उसमें बताए हुए हैं और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी बताए हुए हैं, ठीक है, तो वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सब एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारा हो गया, देन यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या कि और इसी को लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos, देखिए ये जो 1/n है, तो डिमोबियस में क्या होता था कि जो हमारा पावर है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था, तो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या कि cos 2r π/n यहाँ पे n हो जाएगा प्लस i sin 2r π/n हमारा n हो जाएगा, ओके, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। देन अब क्या करना है कि हमें रूट्स निकालना है nth रूट ऑफ यूनिटी, लेकिन हमें जीपी में दिखाना है, प्रूव करना है जीपी में हमारा, ओके, तो लिखेंगे लेट द n रूट्स b, हम ले लेते हैं x नॉट x1 x2, ठीक है, कहाँ तक लेंगे, तो ये हमारा फाइनली xn माइनस 1 तक, क्योंकि xn माइनस 1 तक हमें प्रूफ मतलब पुट करना रहता है आर ए का वैल्यू, तो हमें xn माइनस 1 तक ले लेते हैं। तो x नॉट मीन्स हमारा फर्स्ट जो टर्म रहेगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो देखिए देखो क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू ये हमारा cos 0 प्लस i sin 0, ये हो गया, ठीक।
इसे हम, ये जो हमारा होता है ये वैल्यू वन होता है ना, कॉस जीरो का वैल्यू वन और साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो, तो वन प्लस जीरो मीन्स हमारा वन होता है वैल्यू, ठीक। उसमें भी nth रूट में भी बताएं, देन यहाँ पे क्या होगा कि x1 जो होगा मीन्स यहाँ पे वैल्यू वन पुट करना होगा, इस इक्वेशन में वन वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2π/n हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2π/n प्लस i sin 2π/n, ठीक। तो ये हमारा जो है ना, ये जो फर्स्ट हमारे हमारा एक्स वन का जो वैल्यू आया है, इसे हम खुद से मानेंगे, लेट मान लेंगे कि ये हमारा जो इक्वल टू, ये हमारा टी है, ठीक। इसको वैल्यू हम टी मान लेते हैं, इसके बाद फिर वैल्यूज आएगा, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। एक्स वन आ चुका है, फिर एक्स टू एक्स थ्री आएगा, ठीक है। देखिए एक्स वन हो गया ना, फिर एक्स टू, एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 2 4 4π/n हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 4π/n प्लस आई साइन 4π/n, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि 2π/n था, तो हम वैल्यू यहाँ पे टी पुट किए, यहाँ पे 4π/n, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे वैल्यू टी स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। टी स्क्वायर कैसे, टी स्क्वायर देखिए, जैसे कि टी स्क्वायर को हम कैसे पुट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 और 2π/n नहीं लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे आई साइन और 2 और 2π/n लिख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए क्या, और हम इसे कर्ली ब्रैकेट में दे देते हैं, ठीक है। देखिए दो हमारा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसे सॉरी डिग्री के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या पावर में नहीं जा सकता, ये भी तो हमारा पावर में जा सकता है, ये टू जो है वो पावर में जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि कॉस, और ये हमारा जाएगा तो पावर में हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 2π/n एज इट इज रहेगा प्लस आई साइन 2π/n, ये हमारा एज इट इज, और ये जो हमारा है देखिए 2 पावर, यहाँ पे पावर हो जाएगा। अब इसी का तो वैल्यूज हम लिए थे ना यहाँ पे टी, इसी का वैल्यू टी लिए थे, तो इसका वैल्यू टी हो गया, और इसका पावर यहाँ पे 2, मीन्स यहाँ पे टी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक। तो एक्स टू का जो वैल्यू आया है, देखिए ये हमारा वैल्यू आया और यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया, ओके, ठीक है। अब क्या करना है कि एक्स थ्री का भी निकालना है, तो एक्स थ्री का भी चलिए निकाल लेते हैं, तो एक्स थ्री का भी लिख दे दे, एक्स थ्री, तो एक्स थ्री क्या हो जाएगा, ये हमारा सेम होगा कॉस 2π/n प्लस आई साइन 2π/n, ओके। और यहाँ जो पावर होगा वो हमारा सिंपल 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 जैसे ही हुआ तो यहाँ पे टी क्यूब लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह ये हमारा कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू कहाँ तक जाएगा, ये एक्स पावर एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन तक, तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये फाइनली जो होगा वो कॉस 2π/n प्लस आई साइन 2π/n, और इसका जो पावर होगा वो सिंपल यही रहेगा ना, एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू टी एन माइनस वन तक। तो देखिए सबसे पहले था 1, फिर टी, टी स्क्वायर, टी क्यूब और टी टू पावर एन माइनस वन, ठीक है, यहाँ तक आया, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा जी पी में है, hence the, देखिए यहाँ पे hence the nth root, roots जो हमारा है क्या है, वन प्लस वन है, सॉरी प्लस नहीं, वन है, फिर टी है, फिर टी स्क्वायर है, फिर टी क्यूब, ओके, इसी तरह कहाँ तक है, टी एन माइनस वन तक, आर इन जी पी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये जी पी में जा रहा है, देखिए कंटिन्यू हमारा बढ़ रहा है, हमारे जी पी में चला गया, ठीक। लिखेंगे नाउ द, अब जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का वैल्यूज लेके आना चाहिए था, मतलब प्रोडक्ट का वैल्यूज लेके आना है, क्या लेके आना है, माइनस वन का पावर जो है वो कितना है, एन माइनस वन है, तो ये हमें प्रोडक्ट का वैल्यू लेके आना, मीन्स इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यूज ये आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं प्रोडक्ट करके, ये हमारा वैल्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए लिखेंगे अब क्या कि नाउ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज, क्या सारा रूट्स को, ऑल दीज रूट्स, रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वन होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ टी, टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे है टी क्यूब, इसी तरह हमारा कंटिन्यू कहाँ तक, टी टू द पावर एन माइनस वन तक,
ठीक। तो हमारा टी टू पावर एन माइनस वन मीन्स हो जाएगा क्या, यहाँ पे टी होगा, मल्टीप्लाई करेंगे टी होगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 मीन्स ये हमारा एन टर्म्स तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा जो टी एन माइनस वन का पावर यहाँ पे 2 होगा, और फाइनली यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन यहाँ तक चला जाएगा। ठीक, टी का पावर एन माइनस वन बाई टू तक जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एन माइनस वन, तो ये हमारा कैंसिल आउट, यहाँ पे एन सिंपल बचेगा। तो मीन्स क्या हो गया कि टी का पावर एन माइनस वन बाई टू और मल्टीप्लाई विथ एन हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब देखिए टी का वैल्यूज हमें सिंपल पुट करना है, टी का वैल्यू जो हम यहाँ पे फर्स्ट में लिए थे वो क्या था, तो वो हमें वैल्यूज पुट आउट करना है। ओके देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी का जो वैल्यू था वो हमारा था कॉस 2π/n + i sin 2π/n, और इसका जो पावर है वो क्या है, एन माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में एन है। तो बाय अप्लाइंग डिमोबियस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो डिमोबियस थ्योरम अप्लाई करने से क्या होगा कि एन जो ये भी जो हमारा पावर है, ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लाई में ना, तो एन जो पावर है तो ये जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा, तो एन यहाँ पे और एन मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हमारा एन एन कैंसिल आउट। तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा कॉस 2π + i sin 2π हो जाएगा, और यहाँ पे पावर हो जाएगा एन माइनस वन बाई टू। ठीक, अब देखिए ये भी तो है मीन्स एन एक बार मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे टू वन बाई टू है ना, तो वन बाई टू भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉस 2π और यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस आई साइन 2π और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपल। ठीक, तो ये हमारा क्या देगा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक, और यहाँ जो पावर रहेगा वो हमारा रहेगा क्या कि n माइनस वन, यहाँ पे पावर n माइनस वन तक बचेगा, क्योंकि 1/2 ही सिंपल दिए हैं यहाँ पे, तो n माइनस वन आ गया। अब जो cos पाई प्लस i sin पाई का जो वैल्यू होता है वो माइनस वन होता है, ठीक, इसका जो वैल्यू होता है वो माइनस वन होता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, माइनस वन इसका वैल्यू होगा और पावर में n माइनस वन। एक्चुअली में हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक, तो ये हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो चुका है, और हम निकाल चुके हैं जो हमारा रूट्स रहेगा एंथ रूट्स का, वो हमारा जीपी में रहेगा, और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा फाइनली वैल्यूज आएगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट्स जरूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।